नमस्कार, मैं हूं अपराजिता। आज है 16 जुलाई। खबरों के और बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। देश में कोरोना टीकाकरण में बिहार की अहम भूमिका, आंकड़ा 14 करोड़ के पास पहुंचा। सरकारी दफ्तरों में प्लास्टिक के उपयोग पर पूरी तरह से लगा बैन, बोतल और फोल्डर पर भी लगा रोक। राष्ट्रीय स्वच्छता पुरस्कार के लिए शेखपुरा का अभ्यास मवी चयनित। 28 बिहार प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों का हुआ तबादला। बिहार में अभी भी सताएगी गर्मी, इस दिन से होगी बारिश। सुर्खियों के बाद अब बढ़ते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। देश में कोरोना टीकाकरण में बिहार की अहम भूमिका, आंकड़ा 14 करोड़ के पास पहुंचा। कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए टीकाकरण को तेज कर दिया गया है, जहां देश में जल्द ही 200 करोड़ कोरोना टीकाकरण का आंकड़ा छूने वाला है, जिसमें बिहार की अहम भूमिका है। यहां अब तक 13,95,51,949 डोज लगाए जा चुके हैं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के आंकड़े के अनुसार 15 जुलाई तक 18 वर्ष से ऊपर के 6,23,93,947 लोगों ने कोरोना वैक्सीन की पहली, जबकि 5,66,08,227 ने दूसरी डोज ले ली है। एक पोर्टल के अनुसार बता दें कि 12 से ऊपर की उम्र वालों में पहली डोज लेने के मामले में पूर्वी चंपारण बिहार का सबसे अग्रणी जिला है। दूसरी डोज लेने में किशनगंज सबसे आगे है, वहीं 15 वर्ष से ऊपर वाले में भी पूर्वी चंपारण का आंकड़ा सबसे ज्यादा है। गंगा से जुड़ेगी झारखंड की ये दो बड़ी नदियां, एनआईटी पटना को मिली जिम्मेदारी। झारखंड की दो नदियां स्वर्णरेखा और दामोदर को गंगा नदी से जोड़ने की तैयारियां केंद्र सरकार ने शुरू कर दी है। जल शक्ति मंत्रालय के अधीन कार्यरत राष्ट्रीय जल विकास अथॉरिटी ने इस कार्य को एनआईटी पटना को दे दी है। एनआईटी को यह काम 1.5 वर्ष में पूरे करने होंगे। इसमें 1 करोड़ रुपए से अधिक खर्च होगी। आपको बता दें कि केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय की ओर से देश में 30 नदियों को एक दूसरे से लिंक करने के लिए एक कार्य योजना बनाई गई है। इसमें एनआईटी पटना समेत देश के 4 संस्थानों को इस कार्य में लगाया गया है। बिहारी पहचान में आज हम बात करेंगे श्री कृष्ण सिंह की। श्री बाबू और बिहार के श्री के नाम से मशहूर डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह आजाद भारत राज्य बिहार के पहले मुख्यमंत्री थे। भूमिहार परिवार से आने वाले श्री कृष्ण सिंह का जन्म 21 अक्टूबर 1887 को उनके ननिहाल नवादा के खनवा गांव में हुआ था। पैतृक गांव बरबीगा मुंगेर से बचपन की पढ़ाई पूरी हुई। पटना से स्नातक की पढ़ाई के बाद मास्टर्स की पढ़ाई उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता से किया। पटना से स्नातक की पढ़ाई के बाद मास्टर्स की पढ़ाई उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता से किया। वहीं पटना यूनिवर्सिटी से कानून में डॉक्टरेट की उपाधि ली। वहीं स्वतंत्रता आंदोलन में भी सक्रिय थे। बिहार में कोसी नदी पर सातवां पुल 2024 तक बनकर होगा तैयार। फुलो सेतु से नेपाल और झारखंड आएंगे करीब। बिहार में कोसी नदी पर 4-लेन फुलोत पुल से होकर 2024 में आवागमन शुरू हो जाएगा। सभी तरह के बाधाएं दूर करने के बाद इस पुल को निर्माण कार्य चल रहा है। बता दें कि राज्य में यह कोसी नदी का सातवां पुल होगा। 4-लेन चौड़ाई वाले इस पुल में 55 मीटर के 128 स्पैन प्रस्तावित है। इस परियोजना की अनुमानित लागत लगभग 1478.4 करोड़ रुपए है। परियोजना की कुल लंबाई करीब 28.91 किलोमीटर है, जिसमें कोसी नदी पर करीब 4-लेन पुल 6.93 किलोमीटर का निर्माण किया जाना है। सरकारी दफ्तरों में प्लास्टिक के उपयोग पर पूरी तरह से लगा बैन, बोतल और फोल्डर पर भी लगा रोक। बिहार में 1 जुलाई से सिंगल यूज प्लास्टिक पर रोक लगा दिया गया है, जिसके बाद इसको प्रभावी बनाने के लिए मुख्य सचिव आमिर सुबहानी ने सभी अधिकारियों को निर्देश दिया। अब बिहार सरकार के दफ्तरों में या सरकारी बैठकों में प्लास्टिक पानी की बोतल और प्लास्टिक से बने फोल्डर का उपयोग नहीं होगा। साथ ही विमोचन में भी किताब या रिपोर्ट को प्लास्टिक की भी परंपरा खत्म होगी। और मुख्य सचिव ने कहा कि सिंगल यूज प्लास्टिक पर रोक में सरकारी विभागों को मॉडल बनकर आगे आना चाहिए। सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने 24 पदों पर भर्ती के लिए निकाला विज्ञापन। सेबी ने असिस्टेंट मैनेजर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की कुल मिलकर 24 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन की मांग की है। इन पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो उम्मीदवारों के पास किसी भी ट्रेड में बीई या बीटेक या फिर किसी भी स्ट्रीम में
बैचलर की डिग्री होने के साथ ही 2 वर्षों का कंप्यूटर एप्लीकेशन या आईटी कोर्स होना अनिवार्य है। उम्र सीमा की बात करें तो न्यूनतम उम्र सीमा 30 साल निर्धारित है। वहीं रिजर्व कैटेगरी को अतिरिक्त छूट मिल सकती है। आवेदन शुल्क की बात करें तो जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के उम्मीदवारों को एप्लीकेशन फीस के रूप में 1,000 रुपए देने होंगे। वहीं एससी और एसटी कैटेगरी के उम्मीदवारों को 100 रुपए एप्लीकेशन फीस में देना होगा। आवेदन की अंतिम तारीख 31 जुलाई है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट www.sebi.government.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। 28 बिहार प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों का हुआ तबादला। सरकार ने बिहार प्रशासनिक सेवा के 28 अधिकारियों का तबादला कर दिया है। सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से इसकी अधिसूचना जारी की गई है। सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना के अनुसार बिहार के प्रशासनिक सेवा के अपर समाहर्ता स्तर और उप सचिव स्तर के पदाधिकारियों का तबादला किया गया है। शंभु शरण को मोतिहारी नगर आयुक्त बनाए गए हैं, तो वहीं सत्य प्रकाश शर्मा सासाराम के नगर आयुक्त बने हैं। राष्ट्रीय स्वच्छता पुरस्कार के लिए शेखपुरा का अभ्यास मवी चयनित। 12 अक्टूबर को की जाएगी राष्ट्रीय स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार की घोषणा। बिहार के शेखपुरा जिला मुख्यालय स्थित अभ्यास मध्य विद्यालय को राष्ट्रीय स्वच्छता पुरस्कार के लिए चुनाव हुआ है। बता दें कि इसके पहले भी जिला और राज्य स्तर पर इस विद्यालय को स्वच्छता को लेकर पुरस्कार मिल चुका है। अब जिले के इस विद्यालय को राष्ट्रीय पुरस्कार प्रतियोगिता में शामिल होने का गौरव प्राप्त हुआ, जहां राष्ट्रीय स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार की घोषणा शिक्षा मंत्रालय द्वारा 12 अक्टूबर को की जाएगी। इससे पहले सभी राज्यों को राज्य स्तर पर चयनित स्कूलों की पूरी जानकारी अपलोड करने को कहा गया है। राजगीर के विरायतन म्यूजियम में आपको देखने को मिलेगा बहुत कुछ खास। विरायतन म्यूजियम राजगीर में साल 1982 में खोला गया। विरायतन संग्रहालय या कला मंदिर राजगीर के प्रमुख पर्यटन स्थलों में से एक है। यह जैन धर्म को समर्पित है और जैन धर्म के 24 तीर्थकरों की शिक्षाओं और जीवन का प्रतिनिधित्व करने वाली कई कलाकृतियों और घर की वस्तुओं को प्रदर्शित करता है। वैभवगिरी पहाड़ियों की तलहटी में स्थित होने के कारण संग्रहालय में बहुत ही शांत वातावरण है। यहां आपको जैन धर्म से संबंधित कई चीजें देखने को मिलेगी। बिहार में बने ईंधन से अब उड़ेंगे हवाई जहाज। बरौनी रिफाइनरी बिहार के एयरपोर्ट को देगा एटीएफ। बिहार के बेगूसराय जिले में स्थित बरौनी रिफाइनरी में सब कुछ अगर ठीक रहा तो विश्व स्तरीय एविएशन टर्बाइन फ्यूल यानी हवाई ईंधन का उत्पादन अगले माह से शुरू हो जाएगा। कमीशनिंग का काम लगभग पूरा किया जा चुका है। इस बीच उत्पादक एटीएफ को माइक्रो टेस्टिंग के लिए ब्रिटेन की सबसे प्रमुख लैब कंपनी को भेजा गया है। बता दें कि उसकी रिपोर्ट आने के बाद एटीएफ का उत्पादन शुरू हो जाएगा। इंडजेट इकाई एटीएफ का उत्पादन पटना, दरभंगा और गया एयरपोर्ट की ईंधन जरूरत को पूरा करेगी और पड़ोसी देश नेपाल में एटीएफ की मांग को पूरा करने में भी मदद मिलेगी। बता दें कि इस प्रोजेक्ट पर 5 सालों से काम चल रहा है। सहायक उर्दू अनुवादक भर्ती काउंसलिंग का शेड्यूल हुआ जारी। बीएसएससी ने सहायक उर्दू अनुवादक भर्ती में मुख्य परीक्षा के बाद योग्य अभ्यर्थियों को काउंसलिंग का शेड्यूल जारी किया है। जारी नोटिफिकेशन के अनुसार बीएसएससी मुख्य परीक्षा के बाद 1374 अभ्यर्थियों को योग्य पाया गया है। बता दें इन अभ्यर्थियों की सूची आयोग की वेबसाइट www.bssc.bihar.government.in पर 6/7/2022 को जारी कर दिया गया है। इस सूची में जिन अभ्यर्थियों के रोल नंबर अंकित है उनकी काउंसलिंग 26 जुलाई 2022 से 6 अगस्त 2022 तक आयोग कार्यालय में आयोजित होगी। लोक गायिका नेहा सिंह राठौर का आया नया शौक, मंदिर मस्जिद से लेकर रोजगार के सवाल और पेट्रोल की कीमत पर साधा निशाना। बिहार की लोक गायिका नेहा सिंह राठौर ने नया गीत गाया है जो चुनाव के बाद की स्थिति पर है। यह गीत केंद्र सरकार पर व्यंग है, साथ ही पॉलिटिकल गीत में तरह तरह से उन्होंने व्यंग साधा है। नेहा की खासियत रही है कि वह लोक से शब्दों को उठाती है और अपनी गीत को धार देती है। उन्होंने इस गीत में हिंदू मुस्लिम गांधी का भी जिक्र किया है। बता दें नेहा उस समय काफी चर्चा में आई थी जब यूपी में काबा गीत गाया था। बीएड की परीक्षा में नकल करते धराए 80 छात्र। बिहार के आरा जिले से बीते दिन हैरान करने वाली खबर सामने आई है, जिसके मुताबिक बीएड की परीक्षा के दौरान चीटिंग करते हुए एक साथ 80 छात्रों को पकड़ा गया, जिसके बाद उन्हें निष्कासित कर दिया गया है। जानकारी के अनुसार आर्यभट्ट नॉलेज यूनिवर्सिटी पटना की ओर से आरा के हर प्रसाद दास जैन कॉलेज में बीएड के फाइनल ईयर की परीक्षा चल रही थी। इस दौरान कदाचार की शिकायत मिलने पे भोजपुर डीएम राजकुमार अचानक ही निरीक्षण करने पहुंचे।
इस दौरान परीक्षार्थी खुलेआम मोबाइल और गैस पेपर की मदद से नकल कर रहे थे। वहीं चेकिंग के दौरान 80 छात्रों के पास से मोबाइल पाया गया, जिसके बाद डीएम ने पूरे सेंटर की परीक्षा रद्द कर दी है। वहीं कॉलेज के प्राचार्य ने सफाई दी कि पर्याप्त मात्रा में फोर्स जिला प्रशासन की ओर से नहीं दिए गए थे, जिस कारण चेकिंग में चूक हुई। बिजली चोरी करने वाले लोग हो जाएं सावधान। बिहार में बिजली की चोरी करने वाले सावधान हो जाएं, क्योंकि ऊर्जा विभाग ऐसे लोगों पर नकेल कसने के लिए अपने पुराने अभियान को जारी रखने वाला है। दरअसल विभाग ने स्पेशल टास्क फोर्स का गठन करके बिजली विभाग ने वित्तीय वर्ष 2021-2022 की पहली तिमाही में 1243 लोगों पर FIR दर्ज किया था। वहीं इस साल इसी अवधि में 10,357 प्राथमिक दर्ज किए गए। बिजली चोरी से जुड़े इस अभियान की सफलता को देखकर विभाग इस अभियान को आगे भी जारी रखने वाला है। जानकारी के अनुसार प्राथमिक के आधार पर 3,437 लाख रुपए की बिजली चोरी का विभागीय आंकलन किया गया है। इसमें से प्राथमिक दर्ज कर 2,052 लाख रुपए का राजस्व विभाग ने वसूला है। आवेदन के साथ पावती नहीं देने पर संबंधित कर्मियों पर होगी कार्रवाई। बिहार के सरकारी कार्यालयों में प्राप्त होने वाले आवेदनों या पत्रों में पावती नहीं देने वाले पदाधिकारियों पर अब कार्रवाई की जाएगी। किसी कार्यालय में इस तरह के आवेदन देते समय अगर पावती नहीं देने की शिकायत मिलती है तो उससे संबंधित विभाग या कार्यालय के प्रमुख स्तर से इसके लिए जिम्मेदार कर्मियों या पदाधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होगी। सामान्य प्रशासन विभाग के प्रधान सचिव बी राजेंद्र ने इससे संबंधित आदेश सभी विभागों के प्रमुखों के अलावे DGP परमंडलीय आयुक्त और DM को भेजा है। इसमें कहा गया है कि पावती का पालन हर हाल में किया जाए। बिहार में अभी भी सताएगी गर्मी, इस दिन से होगी बारिश। बिहार में दक्षिण पश्चिम मॉनसून एक्टिव होने के बाद रूठ गया है। मॉनसून एक्टिव होने के बाद प्रदेश के ज्यादातर जिलों में वो फैल जरूर गया था, लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ता गया वैसे वैसे पीछे कमजोर भी होता चला गया। प्रदेश में नहीं हो रही बारिश की वजह से एक तरफ जहां लोग तेज गर्मी से परेशान हैं, तो वहीं दूसरी तरफ बारिश नहीं होने के कारण किसानों को फसल खराब होने का खतरा मंडरा रहा है। शुक्रवार की सुबह राजधानी पटना के आसपास के इलाकों में तेज हवा के साथ बारिश हुई। ऐसे में किसानों की उम्मीद जगी है कि आने वाले दिनों में प्रदेश में बारिश हो। मौसम विभाग की माने तो 18 जुलाई से प्रदेश में भारी बारिश होने की संभावना जताई जा रही है। कहा तो यह भी जा रहा है कि सोमवार से प्रदेश का मौसम बदलने वाला है। इस दौरान बिहार, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल के साथ ही पूर्वोत्तर के राज्यों में मानसून की एक्टिविटी बढ़ने वाली है। बिहार के 10 IAS अधिकारियों को मिला प्रमोशन, एक का तबादला और दो को अतिरिक्त प्रभार। बिहार सरकार ने 10 IAS अधिकारियों को प्रमोशन दिया है और एक IAS अधिकारी का तबादला किया है, साथ ही दो अधिकारियों को अतिरिक्त प्रभार सौंपा है। सामान्य प्रशासन ने इसकी अधिसूचना भी जारी कर दी है। बता दें 2017 बैच के अधिकारी विवेक रंजन मैत्रेय का तबादला अगले आदेश तक निदेशक हस्तकरघा एवं रेशम निदेशालय उद्योग विभाग पटना किया गया है। वहीं अधिकारी आशुतोष द्विवेदी जो 2018 बैच के हैं, वो अभी मुजफ्फरपुर के उप विकास आयुक्त हैं। उन्हें मुजफ्फरपुर नगर निगम के नगर आयुक्त का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। PFI से RSS की तुलना पर पटना SSP ने दी सफाई, कहा उनके बयान का गलत मतलब निकाला गया। पटना SSP मनोजीत सिंह ढिल्लों ने गुरुवार को PFI की तुलना RSS से कर दी। इसके बाद बिहार में सियासत गर्म हो गई। BJP ने पटना SSP की बर्खास्ती की मांग करने लगी तो अब पटना SSP ने सफाई दी है। SSP ने कहा कि आरोपियों ने पूछताछ के दौरान जो कहा वही मैंने मीडिया को बताया है, और कहा कि हमने वही कहा जो दस्तावेजों में लिखा था, और पूछताछ के दौरान जब आरोपियों से उनके काम करने के तरीके के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि जैसे अन्य संगठन अपने लोगों को शारीरिक रूप से स्वस्थ बनाए रखने के नाम पर प्रशिक्षण देते हैं, वे भी ऐसा ही करते हैं। राष्ट्रपति चुनाव को लेकर यशवंत सिन्हा ने की अपील, बिहार ही हूं, बिहार के सांसद विधायक मुझे करे वोट। 18 को राष्ट्रपति चुनाव होने वाला है। वहीं महागठबंधन की ओर से राष्ट्रपति चुनाव में यशवंत सिन्हा को अपना समर्थन दिया गया है। कल पटना के मौर्या होटल में आयोजित कार्यक्रम के दौरान सिन्हा ने कहा कि मैं एक सच्चा बिहारी हूं, इसलिए बिहार के विधायक सांसद को मुझे वोट करना चाहिए। बिहार के लिए यह गौरव की बात होगी कि बिहार का कोई नागरिक देश का अगला राष्ट्रपति बने। इस चुनाव में सबको अपने दिल की आवाज पर वोटिंग करना होगा। बिहार के नेताओं को RGD ने दिया खुला चैलेंज, कहा तेजस्वी से डिबेट कराकर देख लें।
बिहार विधानसभा के कार्यक्रम में 12 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल होने आए थे। इस दौरान नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने मंच से भाषण दिया था, लेकिन भाषण के दौरान वो बार बार अटक रहे थे, जिसके बाद विपक्षी दलों ने तेजस्वी के नॉलेज पर सवाल उठाए। अब आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र ने बीजेपी और जेडीयू नेताओं को बड़ा चैलेंज किया है। कहा, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के नॉलेज पर किसी को भी शक है तो वो हमारे नेता के साथ डिबेट कर ले। हम ऐलान करते हैं कि जेडीयू और बीजेपी के कोई भी नेता आए और गांधी मैदान में तेजस्वी यादव के साथ डिबेट कर लें। अगर वो इसमें कमजोर पड़ेंगे तो हम राजनीति से संन्यास ले लेंगे। उन्होंने कहा कि हम बहुत बड़ी बात कह रहे हैं, हमको अपने नेता पर पूरा भरोसा है। पटना के एसएसपी के बयान पर सियासत तेज, उपेंद्र कुशवाहा ने कही ये बात। पटना के एसएसपी के द्वारा आरएसएस की तुलना प्रतिबंधित संगठन पीएफआई से किए जाने के बाद बिहार में सियासत तेज हो गई है। इस मामले पर सत्ताधारी दल बीजेपी एसएसपी की बर्खास्तगी की मांग कर रहे हैं, तो वहीं जेडीयू ने कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया है। जेडीयू के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा का कहना है कि ये जांच का विषय है, अगर गलती है तो इसके आधार पर कार्रवाई होनी चाहिए, जिनकी जवाबदेही है वो लोग देखेंगे। कोई यह पॉलिटिकल विषय नहीं है कि हम लोग टिप्पणी करें, एसएसपी ने गलत कहा है या सही, ये जांच का विषय है। यह देश के सुरक्षा से जुड़ा हुआ विषय है, उसके लिए जो एजेंसियां हैं वो देखेंगे। देश का नंबर वन शिक्षण संस्थान बना आईआईटी मद्रास, बिहार ने फिर किया निराश। शिक्षा मंत्रालय की ओर से शुक्रवार को राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क या एनआईआरएफ रैंकिंग 2022 जारी किया गया। इसमें आईआईटी मद्रास को समग्र शैक्षणिक संस्थानों की श्रेणी में सबसे टॉप स्थान मिला, जबकि दूसरे स्थान पर आईआईएससी बेंगलोर रहा। आपको बता दें कि केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा तैयार किया गया इस रैंकिंग में देश भर के शिक्षा संस्थानों को कई श्रेणियों में बांटता है, जहां पिछले साल भी आईआईटी मद्रास इस सूची में शीर्ष पर था, लेकिन वहीं बिहार के किसी भी शिक्षण संस्थान को इस रैंकिंग में शीर्ष 10 में स्थान नहीं मिल पाया। डिजिटल मीडिया के लिए मोदी सरकार ला रही है कड़ा कानून, विनियमित करने की बड़ी तैयारी। समाचार पत्रों के लिए केंद्र सरकार नई पंजीकरण व्यवस्था के लिए बिल तैयार कर रही है। इस बिल में डिजिटल मीडिया उद्योग भी शामिल होगा। बता दें कि सरकार देश में डिजिटल मीडिया को विनियमित करने और नियमों के उल्लंघन पर कार्रवाई का सामना करने से संबंधित एक विधेयक लाने की तैयारी में है। अगर ये विधेयक दोनों सदनों से पास हो जाता है तो भारत में समाचार पत्रों और प्रिंटिंग प्रेस को नियंत्रित करने वाली प्रेस और पुस्तक पंजीकरण अधिनियम 1867 की जगह लेगा। ऐसा हुआ तो डिजिटल मीडिया उद्योग को भी प्रेस रजिस्ट्रार जनरल के साथ रजिस्ट्रेशन करना जरूरी होगा। भारत के इतिहास में आज की तारीख कई कारणों से है दर्ज। आज ही के दिन 1856 में हिंदू विधवाओं के पुनर्विवाह को कानूनी मान्यता मिली थी। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में योगदान देने वाली प्रमुख महिलाओं में से एक अरुणा आसफ अली का जन्म आज ही के दिन 1909 में हुआ था। प्रसिद्ध नाटककार जगदीश चंद्र माथुर का जन्म आज ही के दिन साल 1917 में हुआ था। भारतीय हॉकी कप्तान धनराज पिल्ले का जन्म आज ही के दिन साल 1968 में हुआ था। आज ही के दिन बॉलीवुड अभिनेत्री कटरीना कैफ का जन्म साल 1984 में हुआ था। आज ही के दिन प्रसिद्ध कन्नड़ नाटककार के वी सुबन्ना का निधन साल 2005 में हुआ था। बिहार में मिले कोविड 19 के 400 ज्यादा मामले। बिहार में बीते दिन के पिछले 24 घंटे में कुल मिलाकर 460 मामलों की पुष्टि हुई है, जिसके बाद बिहार में एक्टिव मरीजों की संख्या 2640 पर पहुंच गई है। इसके साथ ही अगर हम प्रभावित जिलों की बात करें तो अररिया में 22, अरवल में 2, औरंगाबाद में 2, बांका में 6, बेगूसराय में 14, भागलपुर में 20, भोजपुर में 5, बक्सर 1, दरभंगा में 2, पूर्वी चंपारण में 1, गया में 19, गोपालगंज में 1, जहानाबाद में 8, कैमूर में 1, कटिहार में 5, खगड़िया में 8, किशनगंज में 3, लखीसराय में 1, मधेपुरा में 4, मधुबनी में 2, मुंगेर में 9, मुजफ्फरपुर में 20, नालंदा में 5, नवादा में 4, पटना में 202, पूर्णिया में 12, रोहतास में 2, सहरसा में 18, समस्तीपुर में 6, सारण में 13, सीतामढ़ी में 1, सिवान में 4, सुपौल में 22, वैशाली में 9, पश्चिम चंपारण में 2 मामलों की पुष्टि हुई है। इसके अलावा 4 ऐसे मरीजों की रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई है जो दूसरे राज्य के हैं, लेकिन उनके सैंपल बिहार के अलग अलग जिलों में कलेक्ट किए गए हैं। इसके साथ ही बीते दिन के पिछले 24 घंटे में कुल मिलाकर 1,06,607 सैंपल की जांच की गई है। इस दौरान 415 मरीज ठीक होकर घर वापस लौटे हैं। कल हमारे द्वारा पूछे गए प्रश्न का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर्स ने हमें कमेंट करके दिया, उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर्स ने सही जवाब दिया उनके नाम है बासुकी पंजियारा, नीतीश कुमार, कंचन कुमारी, प्रियांशु कुमार, राज, मिसबा, अदनान, सूरज भगत, संजीत कुमार सुमन,
मोहम्मद सकीम, नरेश राम, शंकर मुखिया, सत्यनारायण, पिंकी कुमारी, कहकशा महजबी, बबलू कुमार, गौतम कुमार, बिट्टू कुमार, रामनवमी, मनाजी, मृत्युंजय कुमार। आप इसी तरह हमारे सवालों का जवाब कमेंट में देते रहें, हम हर दिन वीडियो के अंत में आपका नाम लेने की कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है कि आपके अनुसार आगामी राष्ट्रपति चुनाव में राष्ट्रपति पद के लिए कौन सा उम्मीदवार आपको पसंद है, द्रौपदी मुर्मू या यशवंत सिन्हा? आप अपने जवाब हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। साथ ही बिहार से जुड़े खबरों से अपडेट रहने के लिए जुड़े रहें बिहारी न्यूज के साथ। धन्यवाद।